असलम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिया रिजान आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चिप्स जिसको आप चार से पाँच मिनट में बहुत आसानी के साथ घर पे बना सकते हैं अब मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इनशा रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जी मैंने दो आलू ले कर उनको छील के अच्छे से वॉश करके प्लेट में रख लिया है अब मैं ले रही हूँ एक कटर जिससे हम इस चिप्स को काटेंगे अभी मैं एक दो स्लाइस काट के आपको बताऊंगी कि स्लाइस का कितना मोटा या पतला होना ज़रूरी है और कटर की मदद से जो हम स्लाइस काटते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होता है ना बहुत मोटा होता है ना पतला होता है इससे पतला रखेंगे तो चिप्स बनाते वक्त बहुत ज़्यादा अकड़ जाएगी और पीस आपका टूट जाएगा मोटा रखेंगे तो चिप्स नरम बनेगी इसलिए इस चिप्स को बनाने के लिए इस कटर का हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है ऑयल को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है छः से सात मिनट के लिए तेज़ फ्लेम पे हमें इसको गरम कर लेना है क्योंकि इसको बनाने के लिए ऑयल का गरम होना बहुत ज़रूरी है इस तरह से हम चेक करेंगे जब आपको बहुत ज़्यादा सेक फील हो तो समझे ऑयल आपका अच्छे से गर्म हो चुका है ऑयल गर्म हो चुका है अब मैं डायरेक्ट चिप्स को काट के इसमें डाल दूँगी और इतनी डालनी है जिसको आसानी से हम फ्राई कर सकें उसको फ्राई होने का मार्जिन मिले बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग नहीं करनी है और चिप्स डालने के बाद फ़ौरन से हमें आँच को या बंद कर देना है या इतना हल्का कर देना है कि बिल्कुल जैसे किसी चीज़ को दम पे लगाते हैं एक मिनट के लिए हमें चिप्स को ऐसे ही छोड़ देना है ताकि आलू के अंदर जो मॉइस्चर है वो उसको छोड़े और आहिस्ता आहिस्ता से ड्राई होना शुरू हो एक मिनट के बाद ये देखें आलू थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो जाता है फिर हमें एक डेढ़ मिनट के लिए किसी चम्मच की मदद से बिल्कुल हल्के हाथों से इसको इस तरह से ऑयल के अंदर डिप करते जाना है और हिलाते जाना है एक डेढ़ मिनट के लिए और जब आपको फील हो कि चिप्स जो है वो ड्राई होना शुरू हो चुकी है आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्पी होना शुरू हो चुकी है तो उसके बाद जनाब हम चूल्हे को मीडियम टू लो करेंगे और मीडियम टू लो हीट पे हम इसको पकाएंगे बहुत ज़्यादा हल्की आंच नहीं होनी चाहिए दरमियानी नहीं होनी चाहिए जो इन दोनों के बीच की आंच होती है उस पर हमें इसको फ्राई करना है और देखें बहुत ज़बरदस्त कलर आना शुरू हो चुका है आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि चिप्स जो है वो क्रिस्पी हो चुकी है और इसको बनाने में तकरीबन चार से पाँच मिनट लगते हैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता फर्स्ट बैच हमारा तैयार हो चुका है ऑयल को अच्छी तरह से निकाल लेंगे और पेपर टावल पे हम चिप्स को निकाल लेंगे इसी तरह से अब हम सेकंड बैच आपको समझाने के लिए मैं दिखा रही हूँ फिर से हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे चिप्स को और डालने के बाद हम जनाब आंच को कर देंगे बंद और एक मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि मॉइस्चर आलू अच्छे से छोड़ दें और बस एक मिनट हमें इसको ऐसे ही पकाना है और देखें एक मिनट तकरीबन होने के बाद अब मैं इसको हल्के हाथों से इस तरह से ऑयल में डिप करती जा रही हूँ अगर स्लाइस को जुड़ जाए तो उसको आप खोल लीजिएगा अभी आँच बंद है और आँच बंद पे ही मजीद हमें एक डेढ़ मिनट के लिए इसको इस तरह ऑयल में डिप करते हुए पकाना है जब आपको फील हो कि चिप्स जो है वो थोड़ा सख्त होना शुरू हो चुके हैं उसके बाद आपने आँच को ऑन करना है और मीडियम टू लो हीट पे पकाना है और जी सेकंड बैच भी हमारा तकरीबन हो चुका है रेडी ज़बरदस्त क्रिस्पी सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है इसके अंदर और बस इसको भी हमें निकाल लेना है पैन के अंदर से ऑयल को स्ट्रेन करेंगे अच्छी तरह से और इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको ऐसा ही लगता है जैसे आप मार्केट वाली चिप्स खा रहे हैं और देखें देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है अब इसके ऊपर आप चाहें तो नमक चाट मसाला कुछ भी अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं मेरे चाट मसाले में थोड़ा सा नमक कम था इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया बस अच्छी तरह से हम इसको हिला लेंगे और किसी दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करेंगे तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन आपको बहुत पसंद आएगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा और ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितनी क्रिस्पी बनी है और इन ताला आपको पसंद आएगी इजाज़त दें हाफिज़